कुंतलपुर नामक एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। बुढ़िया का ना तो उसके पास बेटा था और ना ही उसकी बहू थी। बुढ़िया अकेले ही अपने गांव में रहती थी और उसका बेटा और बहू बाहर शहर में रहता था। जब भी बुढ़िया अपने बेटे को यहाँ आने के लिए बोलती थी, उसका बेटा बुढ़िया को धुक्कार देता था और कहता था कि तू बुढ़िया गांव में ही रह, तू शहर में नहीं आ सकती है। बुढ़िया बेचारी बहुत ही दुखी रहती थी और सोचती थी कि मैं क्या करूं। और बुढ़िया ने अपने ही घर में एक छोटा सा गणपति जी का मूर्ति लगाया हुआ था। बुढ़िया अपने खालीपन को जब भी महसूस करती थी तो गणपति जी के आगे बैठ करके उनका जाप करने लगती थी। रोज सुबह उठ करके गणपति जी का पूजा करके तभी वह कुछ खाती थी और दूसरा कार्य करती थी। लेकिन बुढ़िया हमेशा गणपति जी से कहती थी कि हे गणपति जी, मेरे बहु बेटा को यहाँ ला दो ताकि मैं भी सबके तरह अपने बहु बेटा के साथ रह सकूं, मेरा यह खालीपन दूर कर दो। धीरे धीरे समय बीतता गया, बुढ़िया की आयु में और वृद्धि होने लगी। बुढ़िया अब इतनी बूढ़ी हो चुकी थी कि उसे अब कोई भी काम काज करने में उसे मन नहीं लगता था। एक दिन बुढ़िया गणपति जी के आगे बैठ करके और कहने लगी कि हे पुत्र, मैं तो अब इतनी बूढ़ी हो चुकी हूँ कि मैं अब आपका भी सेवा नहीं कर सकती हूँ। मेरी आयु अब इतनी हो चुकी है कि मुझसे अब कोई भी काम नहीं किया जा रहा है। गणपति जी इतना श्रद्धा भाव से बुढ़िया का रोज पूजा करते हुए देख करके एक दिन स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि हे माता, लो मैं आपके सामने प्रकट हो चुका हूँ, अब आपकी जो भी तकलीफें हैं आप मुझे बताइए, मैं उसे दूर जरूर करूँगा। बुढ़िया पहले तो गणपति जी को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुई और उस गणबुढ़िया ने कहा कि हे बालक, मैं आपसे क्या मांगूँ, आप तो पूरे दुनिया को देते हैं, मुझे भी आपने इतना सुख शांति धन दौलत घर दिया है, भले ही मेरा बेटा मुझसे अलग है, मेरे साथ नहीं रहना चाहता है, लेकिन आप तो हमेशा मेरे साथ हैं और मेरे घर में रहते हैं। आज तो मैं साक्षात आपको देख पा रही हूँ, अब भला मुझे क्या चाहिए। अब तो मेरी इतनी आयु हो चुकी है कि मैं आज हूँ और कल नहीं रहूँगी। गणपति जी बुढ़िया की बात को सुन करके कहा, हे माता, मैं तो हमेशा आपकी सेवा करना चाहता हूँ, इसलिए तो आपने मुझे अपने घर में रखा है और मैं भी आपका रोज सेवा करना चाहता हूँ। आपका बेटा यहाँ नहीं बाहर है तो मैं भी तो आपका बालक ही हूँ। बुढ़िया की आंखों में आंसू आ गया और बुढ़िया ने कहा कि हाँ पुत्र, तुम भी मेरे बालक ही हो, लेकिन मुझे बस एक ही चीज़ की समस्या है कि मेरी इतनी आयु हो चुकी है, कल को अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो मैं अपने बेटे को नहीं देख पाऊँगी। अब गणपति जी समझ चुके थे कि माँ जी कुछ कह नहीं रही है, लेकिन उनकी मन में यही है कि उन्हें उनका बेटा चाहिए। फिर क्या था, गणपति जी ने तथास्तु कहते हुए वहाँ से चले गए। शहर में उनके बेटे और बहू रहते थे। एक दिन शहर में बहुत बड़ा दंगा होने लगा, इधर से उधर इधर से उधर लोग एक दूसरे को मारपीट करने लगे। फिर क्या था, उसका बेटा और बहू वहाँ से
निकल कर अपने गांव अपने माँ के पास आ गया। जब बेटा ने देखा कि उसकी माँ इतनी वृद्धि हो चुकी है, इतनी बूढ़ी हो चुकी है, तो मैं अब शहर में कैसे रह सकता हूँ। और उसने देखा कि वह एक गणपति जी का मूर्ति घर में रखी है और उसी को बेटा बेटा कह करके अपने घर का काम कर रही है। बेटा को बहुत ही दर्द हुआ कि मैं अपनी माँ को इस अवस्था में कैसे छोड़ के चला गया। अब उसकी बेटा और बहू जैसे ही आए, बुढ़िया बहुत खुश हुई और गणपति जी का सबसे पहले आशीर्वाद लिया कि यह सब गणपति जी ने ही किया है। अब बुढ़िया पहले के जैसे स्वस्थ और अच्छे से रहने लगी और बेटा और बहू को वापस ना जाने को कहने लगी। अब उसके बेटा और बहू ने कहा, माँ तुम चिंता नहीं करो, अब हम तुम्हें छोड़ करके कहीं नहीं जाएंगे। इस तरह से बुढ़िया अपने बेटा के साथ सुख से रहने लगी। जैसी कृपा भगवान ने उन पे किया है, वह ऐसे ही कृपा सब पे करे। इस कथा को सुने उन पे भी गणपति जी हमेशा अपने कृपा बनाए रखे। चलिए दोस्तों, मिलती हूँ फिर से एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका तहे दिल से बहुत 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 धन्यवाद।